फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस गांधी हिस्ट्री। आज का जो हमने वीडियो है वो केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ का जो सातवां चैप्टर है, चैप्टर सेवन, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पी ब्लॉक के तत्वों से संबंधित 50 मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास ट्वेल्थ के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में बोर्ड परीक्षा देंगे क्लास ट्वेल्थ की। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन से संबंधित 50 वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो पहला प्रश्न है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ऑप्शन ए वर्ग 1 से 2 के तत्व, ऑप्शन बी है वर्ग 13 से वर्ग 18 के तत्व, ऑप्शन सी है वर्ग 3 से वर्ग 12 के तत्व, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, अर्थात वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में भरता है तो उसे हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्व वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 के तत्व होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ऑक्सीजन किस ब्लॉक का तत्व है। ऑक्सीजन किस ब्लॉक का तत्व है, ऑप्शन है पी ब्लॉक, ऑप्शन बी है एस ब्लॉक, ऑप्शन सी है डी ब्लॉक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रश्न संख्या 2 है, ऑक्सीजन किस ब्लॉक का तत्व है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन पी ब्लॉक का तत्व है। प्रश्न संख्या 3 है कि आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है, ऑप्शन है ए सल्फर, बी सोडियम, सी लोहा और डी नाइट्रोजन। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फर है। प्रश्न संख्या 4 है, ओलियम का सूत्र है। ओलियम का सूत्र है, ऑप्शन से ए H2H2O7, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी H2SO3 और ऑप्शन डी H2SO5। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ओलियम का सूत्र जो होता है वो होता है H2S2O7। प्रश्न संख्या 5 है, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन और डी आर्गन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस हीलियम है। कमेंट में आप बताइए हीलियम किस वर्ग का, किस ब्लॉक का तत्व है। प्रश्न संख्या 6 है, उत्कृष्ट गैसें रासायनिक दृष्टिकोण से अक्रिय होती हैं क्योंकि, ऑप्शन से ए ये एक परमाणुक होती हैं, ऑप्शन बी इनके क्वथनांक निम्न होते हैं, ऑप्शन सी इनके संयोजी सेल पूर्णतः भरे होते हैं और ऑप्शन डी ये दुर्लभ तत्व हैं। तो प्रश्न संख्या जो 4 है इसका जो, प्रश्न संख्या जो 6 है इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, इनके संयोजी सेल पूर्णतः भरे होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में किसकी आकृति वर्ग समतलीय है। निम्नलिखित में किसकी आकृति वर्ग तलीय होती है, ऑप्शन है ए XeF6, ऑप्शन बी XeF4, ऑप्शन सी XeO3 और ऑप्शन डी XeF2। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, इसका सूत्र होता है XeF4। प्रश्न संख्या 8 है, सबसे प्रबल अम्ल है। सबसे प्रबल अम्ल है, ऑप्शन है ए HClO4, ऑप्शन बी HClO3, ऑप्शन सी HClO2 और ऑप्शन डी HClO।
प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, HClO4 सबसे प्रबल अम्ल है। प्रश्न संख्या 9 है, गोताखोरों में श्वसन हेतु तो यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त तो होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन से ए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी है कार्बन और ऑक्सीजन का, ऑप्शन सी है हीलियम और ऑक्सीजन का, और ऑप्शन डी है क्रिप्टन और ऑक्सीजन का। तो प्रश्न संख्या 9 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम और ऑक्सीजन का। प्रश्न संख्या 10 है, सबसे हल्की और अज्वलनशील गैस है, सबसे हल्की एवं अज्वलनशील गैस है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी हीलियम और ऑप्शन डी रेडॉन। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हीलियम सबसे हल्की और अज्वलनशील गैस है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नांकित में कौन उत्कृष्ट गैस कौन है, निम्नांकित में उत्कृष्ट गैस कौन है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम नियॉन आर्गन, ऑप्शन सी है ओजोन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो जो प्रश्न संख्या 11 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जिनोन और रेडॉन उत्कृष्ट गैस होते हैं, अर्थात तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। ऑप्शन है ए NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन प्लस अमोनियम क्लोराइड और ऑप्शन डी नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन प्लस अमोनियम क्लोराइड बनाता है। प्रश्न संख्या 13 है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। ऑप्शन है ए सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी ओलिक अम्ल। तो प्रश्न संख्या जो 13 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। प्रश्न संख्या 14 है, पारा और ओजोन की अभिक्रिया से बनता है, पारा और ओजोन की अभिक्रिया से बनता है। ऑप्शन है HGO, ऑप्शन बी है HGO3, ऑप्शन सी है HG2O और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 14 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा HG2O मर्करी डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 15 है, संपर्क विधि में बनाता है, संपर्क विधि में बनाता है। ऑप्शन है ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है ओलियम, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरस अम्ल और ऑप्शन डी है 20% सल्फ्यूरिक अम्ल। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 20% H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 16 है, ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित में कौन सीधे संयोग नहीं करता है। ऑप्शन है ए जस्ता, बी टाइटेनियम, सी प्लेटिनम और डी फेरस अर्थात लोहा। प्रश्न संख्या जो 16 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेटिनम ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग नहीं करता है। प्रश्न संख्या 17 है, वह गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी मीथेन और डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। ऑप्शन ए NH3 अर्थात अमोनिया, ऑप्शन बी है N2O, ऑप्शन सी है NO और ऑप्शन डी है NO2।
इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 19 है, औषधि राख मुख्यतः ऑप्शन है ए कैल्शियम फास्फाइड है, ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट है, ऑप्शन सी जांतव कोयला है और ऑप्शन डी फास्फोरस है। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट है औषधि राख मुख्यतः। प्रश्न संख्या 20 है, श्वेत फास्फोरस को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ उबालने पर निम्नांकित में कौन पदार्थ बनता है, ऑप्शन है ए फास्फोरस हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ऑप्शन सी फास्फीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 20 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फास्फीन। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, निम्न में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, ऑप्शन है ए फुलरीन अणु, ऑप्शन बी क्लोरीन अणु, ऑप्शन सी आयोडीन अणु और ऑप्शन डी ब्रोमीन अणु। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोरीन अणु। प्रश्न संख्या 22 है, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं, ऑप्शन ए हैलोजन, बी कैलोजन, सी संक्रमण तत्व और डी उत्कृष्ट गैसें। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वर्ग 16 के तत्व को कैलोजन कहते हैं, हाइलोजन वर्ग 17 के तत्व को कहते हैं, संक्रमण तत्व वर्ग 3 से लेकर 12 के तत्वों के कहते हैं और उत्कृष्ट गैस वर्ग 18 के तत्वों के कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, वर्ग 16 के तत्वों को कैलोजन कहते हैं, वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन कहते हैं, वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, वर्ग 18 के तत्वों को उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय या अक्रिय गैस कहते हैं और वर्ग 1 से 2 और वर्ग 13 से 18 के तत्वों को सामान्य प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप याद कर लें। प्रश्न संख्या 23 है, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, ऑप्शन है ए H2O, बी O2, सी NaCl और डी C6H6 मतलब जल ऑक्सीजन सोडियम क्लोराइड और बेंजीन। तो प्रश्न संख्या जो 23 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा O2 अर्थात ऑक्सीजन अणु। प्रश्न संख्या 24 है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व को जाना जाता है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 ग्रुप 1 के तत्व को जाना जाता है, ऑप्शन है ए क्षारीय धातु, ऑप्शन बी क्षारीय मृदा धातु जिसको क्षारीय भूमि धातु भी कहते हैं, ऑप्शन सी अक्रिय गैस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्षारीय धातु कहते हैं। प्रश्न संख्या 25 से आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में आवर्तों की संख्या है, ऑप्शन ए 2, बी 8, सी 18 और डी 32। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आवर्त सारणी के द्वितीय अर्थात दूसरे आवर्त में सेकेंड पीरियड में कुल 8 तत्व होते हैं, जबकि पहले आवर्त में 2, फर्स्ट आवर्त में 2, दूसरे में 8 हो गया, तीसरे में 18 और चौथे में 32 तत्व होते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 26 से नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ चुका है और आगामी 2024 ट्वेल्थ बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, ऑप्शन है ए संपर्क विधि, ऑप्शन बी ओस्टवाल्ड विधि, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी हेबर विधि। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा,
ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल को तैयार किया जाता है? कमेंट में बताइए नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्रश्न संख्या 27 है, ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित है? ऑप्शन है ए SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन सी H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा SO3। प्रश्न संख्या 28 है, उजला और पीला फास्फोरस है, उजला और पीला फास्फोरस है, ऑप्शन से ए अपरूप, ऑप्शन बी समस्थानिक, ऑप्शन सी संभारिक और ऑप्शन डी सोमन्यूट्रॉनिक। तो प्रश्न संख्या जो 28 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उजला और पीला फास्फोरस फास्फोरस के अपर रूप है। इसके अलावा और भी फास्फोरस होते हैं, ऑर्थोरम्बिक फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, ये सब फास्फोरस के अपर रूप हैं। प्रश्न संख्या 29 से निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है? ऑप्शन से ए क्लोरीन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन। तो प्रश्न संख्या जो 29 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, निम्नलिखित में हीलियम एकल परमाणविक गैस है। प्रश्न संख्या 30 है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, ऑप्शन है ए HNO3, ऑप्शन बी है H2N2O2, ऑप्शन सी है HNO2 और ऑप्शन डी है HNO4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा HNO3 नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। प्रश्न के 31 है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑप्शन ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधातु हैं, नॉन मेटल हैं। प्रश्न के 32 है, सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील हो जाती है? ऑप्शन है ए कॉपर, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम और ऑप्शन डी है Pb मतलब कांच। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जस्ता अर्थात जिंक। प्रश्न के 33 है, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? ऑप्शन से ए हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। प्रश्न के 34 है, निम्नांकित में किसका बंधन कोण सबसे अधिक है? निम्नांकित में किसका बंधन कोण सबसे अधिक है? ऑप्शन से ए अमोनिया, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, सी बोरान ट्राइफ्लोराइड और डी मीथेन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा BF3 अर्थात बोरान ट्राइफ्लोराइड की बंधन कोण सबसे अधिक है। प्रश्न के 35 है, निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? ऑप्शन से ए टीन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी मैग्नीज और ऑप्शन डी कांच अर्थात लेड Pb। तो प्रश्न के जो 35 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मैग्नीज Mn पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में बढ़ता है, इसलिए यह डी ब्लॉक अर्थात संक्रमण तत्व कहलाता है। प्रश्न के 36 है कि PCl5 का ज्यामितीय आकार है, PCl5 का ज्यामितीय आकार है, ऑप्शन ए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऑप्शन सी अष्टफलकीय, ऑप्शन डी ऑप्शन सी चतुष्फलकीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न संख्या जो 36 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पी सी एल फाइव की ज्यामितीय आकृति है। प्रश्न संख्या 37 है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था है। ऑप्शन है ए +6, ऑप्शन बी -6, ऑप्शन सी +4 और ऑप्शन डी -4। तो प्रश्न संख्या 37 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है। प्रश्न संख्या 38 है, अभिक्रिया N2+3H2 रिएक्शन 2NH3+ कैलोरी क्यू कैलोरी में ताप बढ़ाने पर ऑप्शन है अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है, ऑप्शन बी अमोनिया का उत्पादन घट जाता है, ऑप्शन सी अमोनिया का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है। प्रश्न के 39 है कि नल जल का सूत्र है ऑप्शन है ए H2O, ऑप्शन बी है H3O, ऑप्शन सी है H3O और ऑप्शन डी है D2O। तो प्रश्न के जो 39 है इसको जो सुनकर कई लोग कंफ्यूज हुए हैं कि नल जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो जल का ही होता है, अर्थात जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, तो इसका भी नल जल का भी रासायनिक सूत्र H2O ही होगा। प्रश्न संख्या 40 है, टीन का संकेत है ऑप्शन ए SN, बी TN, सी TI और डी FE। प्रश्न संख्या 40 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, SN टीन का संकेत होता है। प्रश्न संख्या 41 है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऑप्शन से ए 1s2 2s2 2p2, ऑप्शन बी है 1s2 2s2 2p1, ऑप्शन सी है 1s2 2s2 2p3 और ऑप्शन डी है 1s2 2s2 2p4। प्रश्न संख्या 41 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। प्रश्न संख्या 42 है, NaOH है एक, NaOH है एक मतलब NaOH क्या है, ऑप्शन है ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण और डी सभी। प्रश्न के जो 42 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षार है NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा भी कहते हैं। प्रश्न के 43 है, बिस्मिथ की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑप्शन है ए +3, ऑप्शन बी +5, ऑप्शन सी +3 और +5 दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न के जो 43 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा +3। प्रश्न के 44 है, निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, ऑप्शन है ए SN मतलब टीन, बी फास्फोरस, सी सल्फर और डी बेरियम। तो प्रश्न के जो 44 है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बेरियम पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। प्रश्न के 45 है कि उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी चट्टाने और ऑप्शन डी झरने। तो प्रश्न के 45 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वायुमंडल उत्कृष्ट गैसों के मुख्य स्रोत हैं। प्रश्न संख्या 46 है, H3PO4 है एक मतलब H3PO4 क्या है, ऑप्शन ए एक द्विभाष्मिक अम्ल, ऑप्शन बी द्विभाष्मिक अम्ल, ऑप्शन सी त्रिभाष्मिक अम्ल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न संख्या 46 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विभाष्मिक अम्ल है H3PO4। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? ऑप्शन है ए फ्लोरीन अणु, ऑप्शन बी कार्बन अणु, ऑप्शन सी आयोडीन अणु और ऑप्शन डी ब्रोमीन अणु। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लोरीन अणु सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? ऑप्शन है ए अमोनिया, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑप्शन डी हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो प्रश्न संख्या 48 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अमोनिया हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, बाकी जल हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, यह इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, किस वर्ग का सदस्य है? ऑप्शन ए ग्रुप एक, ऑप्शन बी ग्रुप दो, ऑप्शन सी ग्रुप चार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 49 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा सोडियम आवर्त सारणी के ग्रुप एक अर्थात वर्ग एक का सदस्य है, क्योंकि जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार से होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1, अर्थात इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हो रहा है एस में जा रहा है, तो एस में जो पहला इलेक्ट्रॉन जाता है वो वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं, अर्थात जो सोडियम परमाणु है यह वर्ग एक का सदस्य है, क्योंकि इसका जो बाह्यतम या अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन भर रहा है वो 3s में पहला है, इसलिए यह वर्ग एक का तत्व कहलाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है, तो ग्रुप एक वर्ग एक होगा। प्रश्न संख्या 50 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है, मतलब बल्बों में जो उत्कृष्ट गैस भरी जाती है वो कौन है? ऑप्शन से ए हीलियम, बी नियोन, सी आर्गन, डी क्रिप्टन। तो प्रश्न संख्या जो 50 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बल्बों जो बल्ब होते हैं विद्युत बल्ब उसमें जो उत्कृष्ट गैस भरी जाती है उसका नाम आर्गन है, आर्गन का संकेत Ar होता है और इसकी परमाणु संख्या होती है 18 और परमाणु भार 40 कह सकते हैं। आर्गन एक उत्कृष्ट गैस है, जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं सभी उत्कृष्ट गैस है, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन के अलावा जेनॉन और रेडॉन। तो उत्कृष्ट गैस को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वे तत्व जिनके बाह्यतम या अंतिम सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं, अर्थात जिनके संयोजी सेल पूर्णतः भरे होते हैं, वे उत्कृष्ट अक्रिय या निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं और ये किसी भी तत्व से रासायनिक अभिक्रियाओं में जल्दी भाग नहीं लेते हैं, इसी कारण है उत्कृष्ट तत्व नोबेल गैस भी कहते हैं। इनकी जो कुल संख्या है 6 है, जिसमें हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन और रोडॉन शामिल है। तो ये था फ्रेंड हमारा आज का वीडियो, जो आधारित था क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है उसका जो 7th चैप्टर है पी ब्लॉक का तत्व, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वैसे क्वेश्चन बताए हैं जो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो स्टूडेंट 2024 में 12th बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं वो CBSE के हो, बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या दिल्ली बोर्ड या किसी भी अन्य स्टेट के 12th के बोर्ड परीक्षार्थी हो, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए और
यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं रोज डेली 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसकी टाइमिंग होती है मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।